यो वर्द गाइस, कैसे हो सभी। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोग के लिए सोलर स्मैश गेम प्ले, जो हाँ गाइस बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल गेम होने लगा है। और इसे आप लोग भी जाके डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में ये गेम है। इसमें एक रुपया भी आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा। तो चलो बिना देरी करते हुए गेम को स्टार्ट करते हैं। एंड इस गेम का क्या चीज़ है, इसमें क्या करना रहता है, अभी आपको मैं सारा चीज़ बता दे रहा हूँ। तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप गेम को एंटर करोगे यहाँ पे कुछ देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मतलब रोटेशन एंड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलो बिना देरी करते हुए गाइस हम लोग गेम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे अपनी पृथ्वी मिल चुकी है, अपना अर्थ मिल चुका है जिस पे हम लोग रहते हैं। यहाँ पे देख लो गाइस इंडिया भी है, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो इंडिया भी दिखाई देगी। हाँ, पर इसमें मैं कोई नाम वाम नहीं लिखा है, किसी भी देश का नाम नहीं है। तो आप जल्दी गेस नहीं कर पाओगे, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे तभी आप लोग गेस कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। एंड देखो अभी यहाँ पे मेरे जस्ट पृथ्वी के जस्ट बगल में मून भी है, एंड उसके साथ साथ और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। तो फटाफट चलो हम लोग यहाँ पे, हम लोग को पहले मिल जाता है एस्टेरॉयड, एंड उसके साथ साथ बहुत सारी मिसाइलें, एंड उसके साथ साथ हम लोग को एलियन का स्पेसशिप भी देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे करंट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मिल जाएंगी। तो यहाँ पे बिना देरी करते हुए चलो हम लोग पहले एस्टेरॉयड गिराता हूँ, देखता हूँ एस्टेरॉयड से क्या होते। अरे भाई साहब, एस्टेरॉयड से इतनी ज़्यादा नुकसान हो रही है गाइस। अगर तो चो ये बहुत सारे एस्टेरॉयड पृथ्वी पे गिर गए तो समझो आधी पृथ्वी तो वैसे ही खाली हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो चलो देखता हूँ क्या होता है। एस्टेरॉयड तो गाइस बहुत ज़्यादा मैंने गिरा दिया था, और भी गाइस अभी गिरा रहा हूँ। देख लो गाइस कितना ज़्यादा डैमेज हो रहा है हमारी देश को, हमारी पृथ्वी को। एंड अगर ये सब पूरी देखो, अभी मैं एस्टेरॉयड गिरा रहा हूँ तो इसमें इतना ज़्यादा डैमेज हो रहा है। अभी देखना गाइस हमारे देश के पास, हमारी नहीं अब पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो है मशीन्स हैं, मिसाइल्स हैं, एंड बहुत सारी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। एंड अगर वो सब पृथ्वी पे अटैक कर रही हैं, हाँ गाइस वो सब पृथ्वी पे अटैक तो कर रही हैं, पर हाँ अगर कुछ ही देश अगर ऐसे ही करेंगे हमला तो कुछ ही दिन में हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। तो चलो देखो गाइस एस्टेरॉयड में गिरा रहा हूँ कितनी ज़्यादा डैमेज हो रही है हमारी पृथ्वी। एंड अब मुझे ट्राई करनी चाहिए कुछ और मस्त सी चीज़ें, जैसे कि मिसाइल्स मैं ट्राई कर रहा हूँ। एंड भाई देख लो मिसाइल जा रहा है, देखो कितना ज़्यादा डैमेज हो रहा है। एंड चलो अब हम लोग थोड़ी सी और भी ज़्यादा मिसाइल्स इस पर अटैक करते हैं, और भी बहुत सारी मिसाइल्स हैं। तो यहाँ पे मैं सैटेलाइट मिसाइल अटैक करने वाला हूँ, जो कि भाई देख लो कितनी सारी सैटेलाइट को मैं उतार दे रहा हूँ। दो सैटेलाइट को भेजा, देखता हूँ क्या करती है। ओ भाई सैटेलाइट मिसाइल गन भाई बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है भाई, देख लो कितनी ज़्यादा डैमेज कर रही है हमारी पृथ्वी को भाई, होल करती हुई जा रही है, लगता है आर पार आज हो ही जाएगा। अभी आपको दिखा रहा हूँ अपनी पृथ्वी का जो हाल हो चुका है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसा ही कुछ दिन में होगा गाइस पृथ्वी को। देख लो गाइस कितना ज़्यादा डैमेज, एंड देखो भाई इतनी ज़्यादा छोटी छोटी मिसाइल्स हैं, कितनी ज़्यादा डेंजर हैं। एंड देखो गाइस बहुत ही ज़्यादा होल हो चुका है हमारे पृथ्वी के आसपास। एंड गाइस देखो जो यहाँ पे सारी किनारे दिख रही है जहाँ पे अभी गिरी थी वो सब बंजर हो चुकी है, वहाँ पर पूरी तरीके से लावा आ चुका है। एंड गाइस ये देखो बॉम, ओ भाई ये मिसाइल देख लो गाइस आप लोग चौंक जाओगे। देखो एक मैं मिसाइल फायर किया, अभी बहुत कम लगा, बस जैसे यहाँ पे एक बॉम वाला ऑप्शन आ रहा है इसको मैं क्लिक करता हूँ। एंड भाई देखो कितनी ज़्यादा तबाही मचा रही है, एंड इसके साथ साथ देखो ओह भाई आधी पृथ्वी ख़त्म भाई, आधी नहीं पूरी मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुकी है, इस पर कुछ नहीं बचा है भाई। ये देखो कितनी ज़्यादा डैमेज कर रही है हमारे देश को भाई, ओह भाई बस बहुत ही कम बची है, तो इसे आज पूरी तरीके से डैमेज करना है मुझे। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी है हमारी पृथ्वी। एंड इसके साथ साथ अभी मैं और भी ज़्यादा चीज़ें ट्राई करने वाला हूँ, पर इसी मिसाल से पहले अटैक करता हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है रिजल्ट। तो मेरे ख्याल से यही आर पार कर देगा, होल कर देगा पूरी पृथ्वी को, एंड इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे पड़ा है थोड़ी बहुत ड्रिल मिसाइल मैंने लॉन्च की, वो भाई इतनी सारी मिसाइल्स लॉन्च करने के बाद मैंने हमला कर दिया, और गाइस देखो पृथ्वी का क्या हाल हो गया। अब इस पर खाली ओ भाई कहीं पर कुछ नहीं बचा, ना पानी ना कहीं पर कुछ नहीं बचा भाई,
यहाँ पे कुछ रहने लायक कुछ बचा ही नहीं, पूरा नष्ट हो चुका है। एंड गाइस आप लोग देखो, आप लोग को यकीन ही नहीं हो रहा गाइस, ऐसी हाल होने वाली है कुछ ही टाइम बाद हमारी पृथ्वी की भी। एंड ये बहुत ही जल्द आने वाला है, अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर हम लोग हमारे देश के लोग ऐसे हमारे देश की जो मिसाइल्स हैं ऐसे हमला होती रहेंगी, तो गाइस कुछ ही दिनों में ऐसा ही हाल देखने को मिलेगा गाइस। एंड उसके साथ साथ देख लो गाइस, 87% हमारी पृथ्वी ख़त्म हो चुकी है पूरी तरीके से। भाई ये देखो क्या निकल रहा है भाई, लावा आने वाला कुछ देर बाद, अगर एक मिसाइल एक दो मिसाइल मैंने फायर कर दिया तो। एंड भाई देख लो कहीं पर रहने लायक जगह ही नहीं बची है। एंड देखो अभी मैं इतनी ज़्यादा मिसाइल फायर कर दिया, एंड अंदर जाते ही पूरी तबाही मच जाएगी। एंड भाई देखो ख़त्म, 82% हो गए गाइस। ओ भाई पूरी पृथ्वी आर पार होल हो चुकी है, पूरी की पूरी पृथ्वी जो कि ये नष्ट हो चुकी है गाइस। एंड इस पर कुछ भी नहीं बचा है, इसमें ना कोई चीज़ बची है, ना कोई चीज़ हम लोग दोबारा से इसमें उगा सकते हैं, ना पेड़ पौधे भी हम लोग दोबारा से इसमें उगा ही नहीं सकते भाई। एंड इसके साथ साथ पूरी पृथ्वी तबाह हो चुकी है। एंड अभी मेरे पास लेजर वेपन भी है कुछ। एंड भाई देखो ये लेजर वेपन इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि एक लेजर में देखो अभी मैं मारूंगा पूरी आर पार हो जा रही है। एंड अभी मैं एक लेजर और भी ट्राई करने वाला, एक नहीं बहुत सारी लेजर में ट्राई करने वाला हूँ। ओ भाई आर पार लेजर हो जा रही है भाई, ये तो जो पंपकिन हेलोविन अपडेट आई थी कार सेलर सिमुलेटर में, आई मीन कार फॉर सेल में, वैसे ही हो गई है गाइस। ये पंपकिन लग रही है हमारी पृथ्वी भाई। एंड देखो कितनी ज़्यादा डैमेज हो रही है। एंड चलो अभी देखता हूँ और भी ज़्यादा इसे पहले डैमेज कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। एंड देखो आप लग रहा है पंपकिन, रियल पंपकिन लग रही है। एंड देखो गाइस मैंने एक बॉम छोड़ा था, आई मीन बॉल था, क्रिस्टल बॉल, आई मीन जो मिसाइल बॉल रेडार लेजर बॉल थी, इसे देखो भाई मैंने लेजर बॉल एक छोड़ा, पृथ्वी को पूरा तरीके से काट के रख दिया भाई इस लेजर वेपन ने, लेजर बॉल ने। एंड अभी देखो गाइस मेरे पास है यूएफओ, एंड यूएफओ को मैं ट्राई करने वाला पर। एंड चलो हम लोग थोड़ी सी और भी तगड़ी तगड़ी चीज़ें ट्राई कर लेने वाले हैं, जो कि अभी मेरे पास एक और चीज़ है। ये क्या है गाइस, ये पता नहीं कौन सी मशीन है। एंड ये मुझे लग रहा है जो स्पेस में होते हैं सब वही वाला मशीन है। एंड इसे आप बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक यूज कर सकते हो भाई, आप नहीं यूज कर सकते हो, जो इसमें रहते हैं वो यूज कर सकते हैं। एंड इसे आप पता नहीं क्या बोलते हैं। एंड अगर आप लोग को ये पता है कौन सी मशीन है, आई मीन स्पेस से पैसे कुछ है शायद से, अगर आप इसे जानते हो तो इसको कमेंट में नाम बता देना। एंड ये क्या है भाई, ये कौन सा एनिमल है भाई, ये कहाँ से आ गया पता नहीं भाई, लगता है डायनासोर तो नहीं है भाई, कुछ हो रही है। एंड बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। एंड भाई देखो यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि स्टारफिश की तरह पर बहुत ही डेंजर है भाई, पृथ्वी का क्या हाल हो गया भाई, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया। एंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया। एंड इसके साथ साथ तो और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि पृथ्वी को बहुत ही ज़्यादा तरीके से, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से डैमेज कर सकती हैं गाइस, एक नंबर की पूरी डैमेज कर चुकी हैं पृथ्वी को। एंड भाई इसमें रहने लायक कुछ नहीं बचा भाई। एंड देखो अभी प्लानट स्मैश्ड कर चुका है। एंड भाई 140 XP मुझे मिल चुकी है। एंड इसके साथ मैं लॉक्ड कर चुका हूँ, अब मैं ट्राई करने वाला वेनस पे, क्योंकि ये वेनस एंड इस पर पूरी तरीके से बर्फ़ जमी हुई है, ये देखो कितनी ठंड है भाई, ये वेनस पूरी तरीके से ठंड हो चुकी है, आई मीन वेनस तो बहुत ही ज़्यादा डरावना, आई मीन ठंडा है इस पर। एंड ये बहुत ज़्यादा डरावना भी है। एंड भाई देख लो गाइस ये वेनस कितनी ज़्यादा, यहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही पर भाई बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा है। एंड इसे गर्म करने के लिए पहले मैं इस पर थोड़ी सी कुछ, ये क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ गाइस, ये तो मुझे पता नहीं है मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। एंड अभी चलो मैं देख लेता हूँ मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ये कोई चीज़ ऐसी पता नहीं क्या चीज़ है जिसे, ओ भाई ये क्या, ये तो वाल की तरह लग गई वीनस की। एंड ये क्या है मुझे तो पता नहीं है, जहाँ तक कुछ के जाने इसके अंदर से मिसाइल से निकलेंगी जो कि हमारी वीनस को बचाएंगी, कि वीनस को ख़त्म करेंगी, ये पता नहीं है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। ओ भाई ये देखो गाइस
एकदम मस्त से हो चुकी है एंड इसे मैं ट्राई करने वाला हूँ अभी देखना। एंड पहले थोड़ी सी और भी लगा देता हूँ। एंड गाइस मैं तो अनलिमिटेड एंड अब चलो, ओ भाई कितनी प्यारी लग रही है एंड कितनी खतरनाक लग रही है। एंड चलो अब कोई मिसाइल इस पर टेस्ट करता हूँ। ये पृथ्वी को डैमेज कर रहे क्यों नहीं कर रही है गाइस? इसमें लगता है गन लगा है कि नहीं, इसमें शायद कुछ लगी ही नहीं है जहाँ तक। पर ये क्या है? ओ भाई ये पता नहीं क्या। एंड मैं इस पर चलो एस्टोराइड यूज़ कर लेता हूँ थोड़ी सी। एंड यहाँ पे मैं एस्टोराइड, ओ भाई ये काम कर रही है भाई, बहुत डेंजर, बहुत ज़्यादा डेंजर तरीके से काम कर रही है ये। ओ भाई क्या बात है, क्या बात है? ओ भाई ये क्या कर रहा है एस्टोराइड? ये क्या, वीनस 1% भी डैमेज नहीं हुआ, ये कैसा हो सकता है गाइस? एंड इसके अंदर, अच्छा समझ गया समझ गया, ये जो मैं लगा दिया हूँ ये लेजर सिक्योरिटी चीज़ है जो कि हमारी वीनस को सेफ रखेगी। ओ भाई जैसे कि एस्ट्रॉइड या किसी भी चीज़ को मैं इस पे हमला करने के लिए कह रहा हूँ तो ये पूरी तरीके से नष्ट कर देगी। एंड अगर मैं चारों ओर से कवर कर दूंगा, आई मीन पूरी तरीके से कवर कर दूंगा तो गाइस ऐसा हाल होगा, देख लो कितना ज़्यादा सिक्योर रहेगा हमारा जो वीनस रहेगा। एंड देखो गाइस इतना ज़्यादा सिक्योर है, खाली थोड़ी बहुत ही डैमेज हुई है जिससे मैंने इस मशीन को नहीं लगाया। एंड गाइस इधर देखो, ओ भाई सैटेलाइट मशीन की क्या हाल हो रही गाइस, देखो चूनी कर दे रही भाई सैटेलाइट मशीन को चुटकियों में। एंड गाइस देखो अभी तक कोई डैमेज आई नहीं, खाली थोड़ी डैमेज आई वो हमारी गलती से ऐसे होगी। एंड मुझे लगा कि ये मिसाइल, ओ भाई मैंने मिसाइल लॉन्च किया भाई, देखो गाइस इतनी गंदी तरीके से मिसाइल कट कर रही है, पूरी डिस्ट्रॉय कर रही है। एंड देखो अभी मैंने इसमें न्यूक्लियर बम भी अटैक किया है एंड इसके साथ ग्रीन बम मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स, बहुत सारी बॉम्ब्स मैंने इसमें यूज किया, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बहुत ज़्यादा यूज कर दिया, पर फिर भी गाइस इस पर कोई डैमेज हो ही नहीं रहा है भाई। ओ भाई क्या बात है, क्या बात है? ओ भाई देखो न्यूक्लियर बॉम्ब मैंने इतनी सारी चला दी है। एंड गाइस इसकी लेजर वेपन जो है पूरी तरीके से पूरी मिसाइल्स को आई मीन डिस्ट्रॉयड कर दे रही है, इसे पहुँचने ही नहीं दे रहे वीनस तक। एंड गाइस देखो कितनी ज़्यादा सिक्योर हो चुकी है हमारी आई मीन अर्थ। ओ भाई खाली थोड़ी सी डैमेज हुई है, थोड़ी सी नहीं मतलब इसमें तो कुछ नहीं, तो 50 करोड़ तो ये होगी मतलब पब्लिक वाली जगह होगी आई मीन एरिया, तो उसे नष्ट कर दिए भाई। ये देखो ये कौन सी बॉल है, क्रिस्टल बॉल, हाँ सॉरी क्रिस्टल लेजर बॉल है। आप देखो क्या तबाही मचा रही है क्रिस्टल लेजर बॉल। ओ भाई तो वीनस का तो हाल बेहाल हो गया गाइस, बहुत ही गंदे तरीके से वीनस का हाल बेहाल हो चुका। एंड वीनस का था पता बचा ही नहीं है, और जो मैंने लेजर लगाया था वीनस की सिक्योरिटी के लिए एंड इसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। एंड गाइस मैंने देखो लेजर बॉल को और भी ज़्यादा अल्लाह दिया आई मीन पूरी तरीके से। एंड अब देखो क्या मस्त सा व्यू आ रहा है आई मीन पार्क लाइट जो डिस्को लाइट होता है डीजे के पीछे जो लगता है वैसा ही कुछ हाल हो चुका है इस वीनस का। एंड इसके साथ मैंने इस पर लेजर वेपन भी यूज कर दिया जो कि आर पार कर दे रही है पृथ्वी को। एंड बहुत ही ज़्यादा डरावना एंड खतरनाक लग रहा है, सोचो अगर इसमें किसी इंसान को फेंक दिया जाए तो वो क्या एकदम कबाब तंदूरी बन जाएगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का ये हम लोग का आज का ये मज़ेदार हो गया है। एंड भाई वीनस को देखो, वीनस का हाल बेहाल एंड बहुत ही खतरनाक हाल हो चुका है। एंड गाइस अभी देखो मेरे पास अभी और भी आई मीन लेजर बॉल है एंड इसे मैं और भी स्टार्ट कर दिया आई मीन डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा आई मीन अटैक कर रहा हूँ इससे। एंड अभी चेक करने वाला क्या हाल होता है। एंड भाई ये क्या है, ओ भाई एंड भाई मैं चारों ओर से ये क्या फेंक रहा हूँ, अच्छा स्पेसशिप है लगता है, हाँ स्पेसशिप है। एंड गाइस देखो स्पेसशिप तो मैं भेज रहा हूँ पर स्पेसशिप से होगा क्या? एंड ये देखो कुछ आई मीन फ्लाइंग बर्ड्स एंड कुछ भी हो सकते हैं। एंड भाई ये क्या है, इतनी सारी चीज़ें मैं यूज कर रहा हूँ पर मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये अब क्या होने वाली है पृथ्वी के आई मीन वीनस के साथ। एंड भाई वीनस पे खाली एक ही दो लेजर वेवन बची हुई है जो कि सेफ है, पर वो भी कुछ ही देर में डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी। ओ भाई ये क्या है, ओ भाई रेडार की पकड़ में ही नहीं आ रहा भाई। एंड बहुत ही गंदे तरीके से इसका हाल बेहाल हो चुका है। एंड
ये क्या, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, इसमें तो ज़्यादा कुछ समझ में ही नहीं है। एंड अब चलो और भी चीज़ें ट्राई कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी और भी चीज़ें हैं। एंड मैं सोचाऊँ लेजर वेपन चलाने के लिए, नहीं लेजर वेपन नहीं, लेजर वेपन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है एंड इसे तो आर पार एक ही बार में हो जाएगी। एंड ये क्या है भाई, अभी तक पहुँचा ही नहीं है वीनस के पास। एंड भाई अब मैं चलाने वाला हूँ तगड़ी सी एक बॉल जो कि होने वाली हमारे लेजर बॉल। एंड देखो गाइस लेजर बॉल ने क्या हाल कर दिया। एंड अभी मुझे और भी वीनस पे अटैक करनी होगी ताकि वीनस का छोटा छोटा पार्ट हो जाए। एंड गाइस अब देखो अनलिमिटेड में फेंकता जा रहा हूँ आई मीन लेजर बॉल को। एंड अब मैं ट्राई करने वाला हूँ क्या होने वाला है इसका। एंड देखता हूँ भाई चारों ओर से फेंक देता हूँ आई मीन लेजर बॉल को। एंड भाई देखो कितनी ज़्यादा मैंने बॉल फेंक दी क्योंकि पूरी तरीके से पृथ्वी को कट करने वाला है एंड इसे बहुत ज़्यादा डैमेज होगा पृथ्वी को। एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड इसके साथ साथ गाइस आप लोग देखो कितनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। गाइस आपको आज का ये सोलर स्मैश वीडियो पसंद आया, एंड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।